माता तुलसी वृंदा नाम से जानी जाती थी और ये भगवान शंकर के ही एक रूप जलंधर की पत्नी हुआ करती थी। जलंधर को एक वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी प्रतिव्रता रहेगी, उसका स्त्रीतत्व में कोई भी विघ्न नहीं आएगा, तब तक उसको कोई मार नहीं सकता। अब जलंधर त्राहिमाम हर जगह मचा चुका था, उसको मारना संभव नहीं हो पा रहा था। इस वजह से भगवान विष्णु एक स्वांग रचते हैं, वो जलंधर का भेष धारण करके वृंदा के घर में जाते हैं और वहाँ पर वृंदा का स्त्रीतत्व नष्ट करते हैं। तब जाकर भगवान शंकर को संभव हो पाया कि वो जलंधर का हत्या कर सके या जलंधर को खत्म कर सके। तो लोगों को बचाने के लिए भगवान ने ये स्वांग रचा था, लेकिन क्योंकि वृंदा बहुत पावरफुल थी, उनका स्त्रीत्व इतना पावरफुल था, उन्होंने भगवान विष्णु को ये श्राप दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। और वहीं से आप जो शालिग्राम देखते हो, जिनकी पूजा भी होती है, भगवान विष्णु उस अवतार में धरती पे आने लग गए। तो ये थी वृंदा की कहानी। उसके बाद वृंदा ने आत्मदाह किया, उनके आत्मदाह से, उनकी राख से तुलसी का पौधा निकल कर आया, जो कि बहुत पवित्र है। इसलिए तुलसी विवाह भी वगैरह करवाया जाता है हमारे धर्म में, जो कि इसी स्त्रीत्व या पतिव्रता कल्चर को हमें बताता है। अब तुलसी को हमें एक बहुत, हम उसको हॉली बहुत पवित्र चीज़ की तरह रखते हैं, अपने घर के सदस्य की तरह रखते हैं, पर हमें ये भी समझना चाहिए प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता। माता तुलसी भी एक पौधा है, वो भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकती। तो अगर आप तुलसी माता, क्योंकि वो एक आउटडोर प्लांट है, उसको घर के अंदर रखोगे सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो मुरझा जाएगा। और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि हमारे घर में तुलसी टिकती ही नहीं है, हमारे घर की तुलसी तो सूख जाती है, हमारे घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा आ गई है क्या? ऐसा भी नहीं होता है। फिर से वही कहूँगा कि हर एक चीज़ को प्रकृति के नियम के अनुसार ही जाना चाहिए। इसलिए तुलसी की जो रूट होती है, कभी आप अगर बायो में पढ़ेंगे या पौधों के विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, तो उसकी जो जड़ है वो जड़ फैलती है, और वो जितना फैलेगी वो पौधा वो उतना ही अच्छा ग्रो करेगा उतने लंबे टाइम तक। पर हम क्या करते हैं, हम इतने छोटे से पॉट में तुलसी को लगा देते हैं, तो उसकी जड़, उसकी रूट फैल ही नहीं पाती, तो इवेंचुअली वो सूखेगी, पहला कारण। तो हमेशा आपको घर में तुलसी जो लगानी है वो एक बड़े पॉट में, कम से कम 32 इंच का आपका पॉट होना चाहिए, गमला होना चाहिए, उसमें आप अपनी तुलसी लगाइए, आपकी तुलसी नहीं सूखेगी। दूसरा कारण भी है, तुलसी एक ऐसे प्रजाति से आती है, एक ऐसे पौधों की प्रजाति से आती है जहाँ पर जल की इतनी आवश्यकता नहीं होती, पर हम क्या है, ड्यू टू डिवोशन लोटा भर भर के जल चढ़ा रहे हैं रोज, इस वजह से भी तुलसी सूख जाती है। और यही कारण एक बहुत पवित्र पौधा है शमी का पौधा, उसमें भी पानी बहुत कम चाहिए होता है, 2 दिन में 3 दिन में भी आप एक बार पानी डालेंगे तो भी काम चल जाता है इन पौधों का, इस वजह से भी घर की तुलसी सूख जाती है। तो आप इनमें से अगर कोई गलतियाँ कर रहे हैं तो आपको रुक जाना चाहिए, आपका तुलसी नहीं सूखेगा घर का।